अगली खबर आ रही है सीहोर से, जहां नसरुल्लागंज के लाडकोई में वन विकास निगम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लकड़ी चोर सहित 30 नग सागौन सिलिया और वाहन जब्त किए गए हैं। वाहन चालक सहित आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। वन विकास निगम के गश्ती दल द्वारा 30 नग सागौन सिलियों के साथ महिंद्रा पिकअप जब्त की गई है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर आसिक पिता इरशाद खान निवासी नसरुल्लागंज, अरबाज पिता हाफिज मोहम्मद निवासी झाली को मौके से गिरफ्तार किया गया है। वन विकास निगम अधिकारी व कर्मचारी हरकत में आए और लाडकुई रेंज ऑफिस के सामने वाहन को रोककर चेक किया गया तो उसमें सागौन की सिलिया दिखाई दी। वाहन को कोसमी डिपो पर ले जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई। वन रक्षक रामदास सोलंकी द्वारा बताया गया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिंद्रा पिकअप झाली तरफ से आ रही है। हम लोग फौरन एक्शन लेते हुए रेंज ऑफिस के सामने पहुंचे। वहां पर वाहन को रोका गया तो देखा कि वाहन में नीचे सिल्ली रखी थी, ऊपर धान की भूसी की कुछ बोरियां भी रखी गई थी। हमने वाहन लकड़ी चोर सहित पकड़ा और वाहन में 30 नग सागौन की सिल्ली, इसकी कीमत लगभग 39,000 रुपए और वाहन की कीमत लगभग 5,00,000 रुपए के राजस्व जब्त किए। जब्त की गई वाहन की और सिल्लियां जब्त की गई, किस प्रकार की कार्रवाई? इसमें हम लोग अपने हेडक्वार्टर पे थे लाडकुई में, तो हमें सुबह सुबह सूचना मिली मुखबिर के द्वारा कि एक गाड़ी संदिग्ध वाहन, मतलब जिसमें कुछ रखा है बोरी बोरी, और ये फॉरेस्ट रोड से निकल के जा रहा है, आप थोड़ा देख ले। हम तुरंत गए वहाँ पर और मेरे साथ में मेरे साथी आशीष श्रीवास्तव, विनोद वर्मा थे, हम तीनों मिल के गए और गाड़ी को रोक के चेक किया, बोरी उतार के देखा तो उसमें सागौन की कुछ सिल्लियाँ रखी हुई दिखी। फिर हमने गाड़ी को अपने कस्टडी में लिया और उसको चेक किया। चेक करने के बाद में पूरी लकड़ी हमने वहाँ से जब्त करा, वाहन को जब्त कर डिपो लाए। डिपो में उसका मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने पर उसमें पाया गया कि उसमें सागौन सिल्लिया चरपट 30 नग रखे हुए, जिसकी अनुमानित कीमत है 39,044 रुपये। और जो वाहन था और उसको बोलते हैं महिंद्रा जीतो छोटा हाथी, उसमें रखी हुई थी और वो नया है लगभग, उसमें कोई नंबर नहीं है और उसकी अनुमानित कीमत है 5,00,000 रुपए के आसपास। कितने घन मीटर जब्ती की गई उसमें? जो हमने जब्ती किया है वो 30 नग है, उसमें 0.908 घन मीटर माल जब्त किया गया।